अभी हम लोग सिंधु बॉर्डर पे हैं और यहाँ पे आसपास में आप सभी को दिख रहा होगा किसानों का टेंट लगा हुआ है। कुछ टेंट में एयर कंडीशन भी लगा हुआ है, कुछ टेंट में कूलर भी लगा हुआ है और कुछ टेंट की कंडीशन आप देख सकते हैं। कुछ लोग एयर कंडीशन पे सवाल करते हैं कि किसानों के पास एयर कंडीशन कहाँ से आ गया, तो उनसे मैं बता देना चाहता हूँ एयर कंडीशन का कीमत सिर्फ और सिर्फ 30,000 होता है और किसानों के ट्रैक्टर का कीमत 8,00,000 होता है। तो जो किसान 8,00,000 का ट्रैक्टर खरीद सकता है वो एयर कंडीशन भी लगा सकता है। और कहीं भी संविधान में नहीं लिखा है कि सिर्फ नेताजी के ही कमरे में एयर कंडीशन लगा रहेगा, उनके परिवार वाले ही एयर कंडीशन में रहेंगे। हाँ, हालांकि कुछ किसान सक्षम है, वो गाड़ी भी रखे हुए हैं। अगर किसान गाड़ी में घूम रहे हैं तो ये गलत है, तो नेताजी भी फॉर्चूनर में रेंज रोवरों में घूम रहे हैं वो भी गलत है। तो पहले नेता जितने लोग हैं वो अपना फॉर्चूनर रेंज रोवरों छोड़ के आए, एयर कंडीशन अपने कमरों में से निकाल दें, किसान भी निकाल देंगे। लेकिन किसानों की एक्चुअल स्थिति ये है कि आज देश का 99% किसान जो है वो कर्ज तले दबा हुआ है, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। चलिए, मोदी जी ने एक अच्छा काम किया है कि कल तक उनके नेता टीवी चैनलों पे आके जिन किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी बता के गाली दे रहे थे, देश विरोधी कह रहे थे, आज वही नेता टीवी चैनलों पे आके किसानों को अपना भाई कह रहे हैं। सही है कि नहीं है? किसान कल भी हमारे भाई थे, आज भी हमारे भाई हैं और कल भी हमारे भाई ही रहेंगे। चूंकि किसान और जवान दो ही लोग हैं जिनके वजह से देश चलता है, नेताओं के वजह से देश नहीं चलता है। सच्चाई ये है कि किसानों के हक में पिछले 70 साल से कोई ऐसा कानून बना ही नहीं, अगर बना होता तो किसानों की स्थिति आज ये नहीं होती। 26 नवंबर 2020 को ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 20 नवंबर 2021 तक का डेटा है। 11 महीना 25 दिन में टोटल 359 डेज हुआ है और डेथ जो है वो 723। अभी तक 8,616 घंटा हो चुका है, मिनट जो है वो 5,16,960 मिनट। सेकंड का भी कैलकुलेशन है यहाँ पे और वो इसलिए है क्योंकि ये लोग किसान हैं और किसानों का डेटा कभी गलत नहीं होता। हाँ, हालांकि संसद भवन में बैठे कुछ नेताओं का डेटा कभी गलत हो जाता है और वो इसलिए किसान बिल लेके आते हैं कि उन्हें ये उम्मीद रहता है कि हम इसे लेके आएंगे तो चुनाव जीतेंगे। बाद में डेटा जब गलत होता है तो उसे करेक्ट करते हैं और एक साल बाद जो है उसे वापस ले लेते हैं। अभी कानून वापस ले लिया गया है, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो आपका नमस्कार, धन्यवाद यहाँ आने के लिए। तो कानून वापस जेड़िया सरकार जेड़िया हर वरी कोई ना कोई पत्ता खेड़ दिया, गेम पत्ता खेड़ दिया। पिछले जदों इलेक्शन सी उदों इन्होंने पुलवामा अपना जेड़िया करवाया, पुलवामा च अपने जेड़े नौजवान वो शहीद कराए। इस बार हुण भी बॉर्डर दे उपर 650 तो उपर जिहड़े आ साडे किसान जिहड़े आ शहीद हो चुके आ। अच्छा, वो 650 लोग जो शहीद हुए थे वो हिंदुस्तानी ही थे कि पाकिस्तानी थे? बिल्कुल वही तुहानू दस रहे हैं, वो हिंदुस्तानी थे, किसान थे। सरकार ने आज तक जो है किसान को पहले अतवादी, माओवादी कई नाम दिए। पहली बार इस बार जो मोदी साहब ने अपना मुख से शब्द बोले हैं कि ये मेरे देश के किसान है, तो जो है उसके लिए मैं अपने तीनों कल तक जो लोग खालिस्तानी कहते थे उनसे कह देना चाहता हूँ 56 इंच के सीना वाला प्रधानमंत्री खालिस्तानी के डर से पीछे हट गए क्या? नहीं, कहीं नहीं तो कहीं ये सभी लोग जो है ना इस देश के किसान ही है और इनके भी सीने में भारत माता ही धड़कती है और ये भी भारत माता की जय ही बोलते हैं, ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। राजनीति के चक्कर में हमें इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि हम इस देश के जवान और किसान का अपमान करें। हाँ, और करना चाहते हैं, जो किसान है, किसान के बेटे ही बॉर्डर पे लड़ते हैं, दूसरे देश के साथ जब जंग होती है तो किसान का बेटा यहाँ लड़ता है। कहीं इन मंत्रियों का बेटा कोई गोली नहीं खाता दुश्मन से आगे, दुश्मन से लोहा जो लेते हैं वो किसान के बेटे ही होते हैं। जो भी हुण इन्होंने लखीमपुर खीरी में एक अपनी किसानों के उपर गड्डियां चढ़वाइया,
अजय मिश्रा टैनी जो है मंत्री है, संसद मंत्री है, लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी वो भी तुसी देखी होगी। ये सरकार जी अपनिया उन्होंने हर कोशिशां जड़ियां वा इत्थे करके वेखियां भी इन्हां दा मोर्चा जिहड़ा वा किसान अंदोलन है इहनूं फेल किस तरह कर सकीए, पर किसान जिहड़े आ उह इक मुठ रहे, एकता उन्हां दी बणी रही। उही प्रधानमंत्री जिहड़ा 56 इंच दा इंच वाला छीना कहिंदा सी ना मेरा भी, मैं अजे तक जिहड़ा कानून बनाता अजे तक कोई वापस नहीं लिया, वह उन्हूं मजबूर होना पिया इस जनता की ताकत अगे झुकना पिया, जिहड़ा कल उन्हें माफ़ी भी मंगी भी ये मेरे देश के किसान आ। किसानों का हिम्मत और हौसला देखिए कि वो जब हाथों में हल लेते हैं तो धरती का सीना चीर के उसमें से फसल उपजाते हैं, और जब आंदोलन करते हैं तो संसद भवन में बैठे नेताओं को भी झुका देते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं हर प्रकार की व्यवस्था है, नहाने के लिए पानी है, पीने के लिए शुद्ध पानी है, खाने का भी व्यवस्था है, जगह जगह पर लंगर चल रहा है यहाँ पर, और प्रॉपर ढंग से व्यवस्था है, सब सही ढंग से व्यवस्था है। और इसी के वजह से जो है किसान आंदोलन कहीं नहीं तो कहीं सफल हो पाया। फिर से मैं कह देना चाहता हूँ, किसान आंदोलन देश विरोधी आंदोलन नहीं, खालिस्तानी आंदोलन नहीं, पाकिस्तानी आंदोलन नहीं। और जो लोग इन्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी देश विरोधी कहते थे उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि जब ये खालिस्तानी पाकिस्तानी देश विरोधी थे तो इनसे मोदी जी डर क्यों गए? जयप्रकाश नारायण के बाद पहली बार इस देश के नेताओं को फिर से करारा सबक सिखाया गया है, और किसानों ने करारा सबक सिखाया है। इस प्रकार का बिल पास करने वाले नेता जो संसद भवन में बैठ के नफा नुकसान जोड़ के बिल पास किए थे, उन्हें ये पता चल गया कि अब चुनाव हार जाएंगे और सारा नफा जो है वो नुकसान में बदल जाएगा। इसलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पे उन लोगों ने इस बिल को वापस ले लिया है। कल तक जो इस बिल के समर्थन में खड़े थे आज वो इस बिल को वापस लेने के अवसर पे देश हित में जनहित में बता रहे हैं, किसानों के हित में बता रहे हैं। इस देश के सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक सवाल हम पूछना चाहते हैं कि किसानों के हक में पिछले 70 साल से सरकारों ने क्या किया है, किसानों का कितना विकास हुआ है, किसानों का कितना भला हुआ है, और किसान के लिए कौन कौन सड़कों पर लड़ता है, सिर्फ और सिर्फ इतना बता दिया जाए। किसान अंग्रेजों के समय में भी परेशान थे, कांग्रेसियों के समय में भी परेशान थे, और अभी भाजपा की सरकार है उस समय में भी किसान परेशान है। तो हो सके तो देश का विकास अगर आप लोग चाहते हैं तो सबसे पहले किसानों का विकास करें, और जिस दिन किसानों का विकास हो जाएगा उस दिन देश का विकास हो जाएगा। अभी हम लोग सिंधु बॉर्डर पे हैं और यहीं पे किसान आंदोलन का न्यू पड़ा था, और यहीं से एक साल तक लगातार किसान आंदोलन हुआ। उसके बाद से जो है जो भी कानून था वो काला था कि उजला था हमें अभी पता नहीं चला, क्योंकि वो अच्छे ढंग से लागू ही नहीं हुआ, तब तो पता चलता। तो काला उजला कानून वापस ले लिया गया है। किसान बिल, किसान आंदोलन की सच्चाई सिंधु बॉर्डर से दिखाते हुए सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।